हेलो डियर स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट सब टॉपिक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जीनर डायोड। जीनर डायोड क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे पहले हैं जीनर डायोड जो है इट वाज इन्वेंटेड बाय सी जीनर जो नेम जो नेम ऑफ द जो फिजिस्ट है जिन्होंने जीनर डोड को इन्वेंट किया है उसका नाम है सी जीनर

सो so, ये जो जीनर डायोड जो होता है इट इज़ फेबर क्रिएटेड बाई हेविली डोपिंग बोथ पी साइड एंड एन साइड ऑफ द पी एन जंक्शन गो अगर हम डियागरम में, डियागरम में के डायग्रामिकली हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे सो so, जीनर डायोड जो है ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जीनर डायोड का कैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करते हैं दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया गया है ये और ये रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया गया है और ये जो है ये जो वोल्टेज करंट करेक्ट दिखाया गया है इसमें सो लेट इस टेक वन बाई वन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट सो जिनर डायोड इज फैब्रिकेटेड बाय हैवीली डोपिंग पी साइड और एन साइड को पी पी साइड और एन साइड को हैवी डोपिंग किया जाता है वो पी साइड और एन साइड को जो पी एन जंक्शन है उसको हैविली uh, डोपिंग किया जाता है एज ए रिजल्ट ऑफ इट गो जो जब डोपिंग हैवी डोपिंग किया जाता है उसकी वजह से जो डिप्लेशन लेयर है गो जो डिप्लेशन लेप्लीशन रीजन ऑफ द जीनर डोड है वो काफ़ी थिन बनता है लेस देन टेन इज पर माइनस सिक्स मीटर गोन गो जीनर, जीनर डोड जो होता है इट इज फैब्रिकेटेड बाई है डोपिंग बोथ पी साइड एंड एन साइड ऑफ द पी एन जंक्शन वो पी साइड भी हैवीली डोपिंग किया जाता है और एन साइड भी हैवीली डोपिंग किया जाता है और इस डोपिंग की वजह से जो डिप्रेशन लेयर ऑफ जीनर डोड है वो थिन लेयर थिन बन जाता है लेस देन टेन इज पर माइनस सिक्स मीटर बन जाता है जो डिप्रेशन लेयर होता है पी एन जंक्शन का यहाँ पर जीनर डायड का जो जंक्शन बनता है पी और एन जंक्शन का जो डिप्रेशन लेयर होता है जीनर डायोड का वह बनता है वेरी लेस वेरी थीन बनता है ऑफ दाइनस लेस दैन टेन इज पर माइनस सिक्स मीटर एंड एलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द जंक्शन इज़ एक्सट्रीमली हाई और जो एलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया जाता है जो बैटरी बैटरी से जो हम करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग है यहाँ पर हमने ये रिवर्स ये, बायोसिंग है तो यहाँ पर ये जो आ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप किया जाता है एक्रॉस द जंक्शन इट इज़ का ये, का, ये काफ़ी हाई होता है देखो यहाँ पर वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है वोल्टेज मेजर करने के लिए मिली एमीटर कनेक्ट किया गया है ये फॉरवर्ड बाइसिंग में ये रिवर्स बाइसिंग में भी माइक्रो एमी मीटर को कनेक्ट किया गया है अगर हम आते हैं इफ़ द रिवर्स वोल्टेज इज़ ऑफ इफ द रिवर्स वोल्टेज इज ऑफ फाइव वोल्ट अगर फॉर एग्जाम्पल इफ ए रिवर्स वोल्टेज ऑफ फाइव वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द पेन जंक्शन अगर हम रिवर्स वोल्टेज फाइव वोल्ट का अप्लाई करेंगे पेन जंक्शन में द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप अक्रॉस द पेन जंक्शन इज दैट इज गिव बाई ई इज कॉल्ड टू डी वी बाई डी आर डी एक्सो जो एलेक्ट फील्ड जो सेटअप किया जाता है दैट इज गड बाई डी वी बाई डी एक्स आधी जगहों पर आधे बुक उसमें डी वी बाई डी आर है आधी जगहों पर लिखा है डी वी बाई डी एक्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम एक इफ, फे रिवर्स वोल्टेज हम देते हैं इफे रिवर्स वोल्टेज हम आ, 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 देते हैं एक्रॉस दियन जैक्शन तो क्या होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एक्रॉस द पेन जंक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा एक्रॉस द पेन जंक्शन दैट इज दैट इज़ गिवन बाय ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स और माइनस डी वी बाई डी आर भी आदि बुकों में है और क्योंकि रिवर्स वोल्टेज हम फाइव वोल्ट अप्लाई करते हैं और जो ये ये जो डिप्रेशन लेयर जो है वो थिन बनता है वो बनता है टेन फोर माइनस सिक्स मीटर जो है और ये ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो बनता है फाइव इंटू टेन फोर सिक्स वोल्ट पर मीटर देट मीन्स दिस एलेक्ट फील्ड जो है इसको बोलते हैं आयोनाइज फील्ड को वन रिवर्स वोल्टेज ऑफ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जब हम रिवर्स वोल्टेज ऑफ फाइव वोल्ट हम अप्लाई uh, करते हैं एक्रॉस द पी जंक्शन एक्रॉस द पे जंक्शन तो जो एलेक्ट फील्ड जो सेटअप यहाँ पर होता है एक्रॉस दियन जंक्शन दैट इज गन बाई ई इज इक्वल टू डी माइनस डी यू बाई डी एक्स और माइनस डी यू बाई डी आर देट इज़ इक्ल टू फाइव वी डिडेड बाई ट माइनस सिक्स मीटर ये जो मीटर जो है जो ये जो थिकनेस ये जो जो डिप्रेशन जो लेर का थिनेस है दैट इज़ लेस दैन टेन जो माइनस सिक्स मीटर और ये बनता है वो जो 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 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज़ इक्वल टू फाइव इंटू टेन जो माइनस सिक्स वोल्ट मीटर एंड दैट इज दिस ये जो एलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सेटअप होता है उसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आनइज फील्ड और इसको आइनाइज फील्ड बोलते हैं एंड ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये यहाँ पर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ये पी एन जंक्शन का जीनर डिव का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया दिखाया गया है यहाँ पर और फिगर में तो अगर हम वोल्टेज ये वोल्टेज करंट की बात करेंगे वोल्टेज करंट करक्ट्स की बात करेंगे एक डायग्राम शो किया गया है जिसमें हम ये वोल्टेज और करंट Uh, uh, सिटी कर सकते हैं जो एज पर uh, अगर फ्रॉम वी आई दैट इज वोल्टेज करंट करेक्ट ऑफ इज कॉल्ड वी जडर्स बायस ये जो ये जीनाड जो होता है वैन द जीनाज़ इन द रिवर्स बाइस्ड तब जो वी बराबर वी फ्रॉम द वी आई करेक्ट वोल्टेज करंट करेक्टर्स हमें यह पता चलता है कि ऑफ डायोड डोड वी नोट दैट इन रिवर्स बाईस जिनर डोड वैन वी इज कल्ड वी जेड दैट इज जिनर वोल्टेज वी जिनर वोल्टेज के बराबर होगा ए सडन लार्ज करंट फ्लोज इन द सर्किट एक सडन लार्ज करंट सर्किट फ्लो सर्किट में फ्लो करता है एंड द जीनर वोल्टेज वी जड रिज कॉन्सटन फार लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स करंट और जो ये जो जीनर करंट जो है जीनर वोल्टेज जो है वी जड जिसे हम रिप्रजेंट करते हैं जीनर वोल्टेज जीनर वोल्टेज वी जड जो है इट रिमेनज कट फॉर लार्ज इंक्रीज इन रिवर्स रिवर्स करंट दिस फीचर ऑफ जीनो डायोड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रो इट हैज़ बीन यूजड इन मेकिंग द जीनर डोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर यहाँ पर जब ये वी वोल्टेज जब वोल्टेज जो जीनर वोल्टेज के बराबर होता है वो जब वोल्टेज होता है वो जीनर वोल्टेज के बराबर होता है जब वी वी जेड के बराबर होता है एक सडन लार्ज करंट फ्लो करता है सर्किट में वो सर्किट में कर, कर ये जो है लार्ज करंट फ्लो करता है और जो ये जीनर वोल्टेज है वी जेड इट रिमी कॉन्सेंट फॉर लार्ज इंक्रीज इन द रिवर्स करंट गो ये वी जेड जो है, है रिवर्स वोल्टेज है और जीनर वोल्टेज है इट रिमी फॉर लार्ज इंक्रीज इन द रिवर्स करंट ये जो फीचर है जीनर डायोड का दैट जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज जो वोल्टेज ड्रॉप होता है एक्रॉस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट कोई इंडिपेंडेंट है ये गो गो द फीचर ऑफ जीनर डायोड इज दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस

तो ये ये रिवर्स करंट क्यों अचानक इंक्रीज हो जाती है सडन इंक्रीज क्यों हो जाती है गोवेन दे रिवर्स वोल्टेज एग्रॉजियन जंक्शन इंक्रीज जब वियर वन ये जो रिवर्स वोल्टेज इंक्रीज़ हो जाती है एग्रॉस दिपियन जंक्शन द एलेक्ट्रोफील एक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज इसके इसके अंदर इसके जो है एलेक्ट्रोफीड भी इंक्रीज हो जाता है गो ये सडन इंक्रीज़ जो करंट का होता है सडन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट एट द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज और जीरो वोल्टेज इसका रीज़न क्या है गो वन द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस एक्रॉस दिन जंक्शन एक्रॉस द पेन जंक्शन इंक्रीज जो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज हो जाता है वैन रिवर्स वोल्टेज बिकम ब्रेक डाउन वोल्टेज जब रिवर्स वोल्टेज बनता है ब्रेक डाउन वोल्टेज तो उस वक्त क्या होता है द इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बिकम वेरी हाई वो जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो अक्रॉस द जंक्शन है वो हाई बनता है

दिस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सडन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट इसकी वजह से सडन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट हो जाता है दिस मैथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इंटरनल फील्ड इमिशन और ये जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर वो जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाता है जब रिवर्स वोल्टेज ब्रेक ब्रेक डाउन वोल्टेज बनती है या जीनर वोल्टेज बनती है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन में हाई बनता है रिवर्स जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी हाई बनता है जिसकी वजह से जो फील्ड जो है माइनॉरिटी कैरियर एलेक्ट्रॉस को फ्राम द को उनको पुल करेगा फ्रॉम पी साइड ऑफ द जंक्शन टू द एंड देम टू द एन साइड ऑफ द टू क्रॉस टू द जंक्शन टू रीच द एन साइड ऑफ द जंक्शन दिस इज रेसॉन्स फॉर सडन इंक्रीज इन द यहाँ पर हो सडन इंक्रीज इन द ये रिवर्स करंट में सडन इंक्रीज़ हो जाता है दिस मेथड ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इंटरनल फील्ड इमिशन इसको बोलते हैं इंटरनल फील्ड इमिशन अगर फॉर ए प्रॉपर ये जो वर्किंग ऑफ ए जीनर डोड इन सर्किट हमें इन चीज़ का ध्यान रखना है दैट इट इज़ एसेंशियल दैट फॉर ए प्रॉपर वर्किंग ऑफ जीनर डायोड इन एनी सर्किट इट इज़ एसेंशियल दैट दैट जीनर डोड मस्ट बी रिवर्स बाइस्ड को जीनर डायोड रिवर्स बाइस्ड होना चाहिए और जीनर डोड का जो वोल्टेज होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर दैन जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज वी जेड को जीनर वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए गो जिनर डोयोड का जो वोल्टेज uh, जो है देट मस्ट बी ग्रेटर दैन द जीनर वोल्टेज और ब्रेक डाउन जीनर वोल्टेज जिसको बोलते हैं और जीनर डोड इज़ टू बी यूजड इन ए सर्किट वायर द करंट इज़ लेस दैन द मैगजिमम जीनर करंट गो जो जो जीनर डोड हम यूज़ करते हैं इज़ टू बी यूजड इन ए सर्किट को जिनर डोयोड को हम सर्किट uh, में यूज़ करते हैं जहाँ पर करंट जो है लेस होता है दैन द मैगजिमम करंट आई जेड गो जो जीनर डायोड इज टू बी यूज इन ए सर्किट वायर द करंट इज लेस देन द मैक्सिमम जीनर करंट आई जड जिससे हम डिनोड करते हैं जीना डोड गो बचो ये हमने आज जीना डोड हमने पढ़ा और साथ में हमने इसका जो वोल्टेज करंट कर पढ़ा और साथ में हमने देखा कि कैसे सडन इंक्रीज uh, uh, जो रिवर्स करंट में कैसे सडन इंक्रीज हो जाता है कॉज ऑफ़ सडन इंक्रीज इन द रिवर्स करंट एट द रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज और जीनल वोल्टेज वो जीनल जब जीनल वोल्टेज होता है तो उस 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 टाइम सडन इंक्रीज इन रिवर्स करंट कैसे होता है ये हमने इस वीडियो में पढ़ा वी विल कंटिन्यू द जीनो ड्रोड उसमें हम पढ़ेंगे डायोड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर रेगुलेटर वो हम इसको कैसे कर सकते हैं डायोड को हम एज ए वोल्टेज रेगुलेटर हम कैसे यूज़ करते हैं उसको हम पढ़ेंगे थैंक यू आई होप यू विल अंडरस्टैंड आज हमने डायोड पढ़ा हमने डायोड के बारे में हमने पढ़ा उसके वोल्टेज करंट करेक्स ऑफ डायोड के बारे में हमने पढ़ा और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि ये जो सडन काज ऑफ इंक्रीज इन द करंट कैसे होता है रिवर्स करंट में कैसे होता है वैन द वोल्टेज इज इक्वल टू द जीनो वोल्टेज आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे वैन यू विल रिपीट